दोस्तों आज के दिन में ऑडी कार को कौन नहीं जानता होगा, पर क्या आपको पता है कि ऑडी कार का जो लोगो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ऑडी के लोगो में बहुत ही सिंपल तरीके से चार गोले दिखाई देते हैं, लेकिन इन चारों गोलों का मतलब काफ़ी अलग है, जो मैं आपको बताता हूँ। ये चार रिंग चार कंपनियों के साथ जुड़ने की कहानी बताते हैं। इनमें हार्ज, DKW और वांडर के एक होने से ऑटो यूनियन बना, जिसे आज ऑडी कहते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि हमारे फ़ोन का रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं, तो किसी में 31 और फेब में तो 28 दिन ही होते हैं, पर कभी कभी 29 दिन भी हो जाते हैं। इसलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज ही देती है, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो आते ही हैं। दोस्तों इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और अगर ये कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे, लेकिन इन कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने में जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज करवा लेती है। यही वजह है कि हमारे फ़ोन का रिचार्ज 28 दिन का होता है। अगर तो क्या आप लोग को पता है कि प्लास्टिक की कुर्सी में ये छेद क्यों दिया जाता है? दोस्तों आपको अगर ये लगता है कि यह छेद सिर्फ कुर्सी उठाने के लिए होता है तो आप गलत हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अक्सर स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह होल नहीं होगा तो वह स्टूल आपस में एयर प्रेशर और वैक्यूम की वजह से चिपक जाएंगे, और फिर इन्हें अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगाने पड़ेंगे, जिससे कुर्सी टूटने का खतरा हो सकता है। इसलिए प्लास्टिक की कुर्सी के बीच में छेद होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिएटर न्यू को सब्सक्राइब करें।